अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ निदा सईद और आप देख रहे हैं निदा का किचन। आज हम बना रहे हैं चिकन शाशली जो बहुत मज़े का बनता है। तो उसके लिए जो हमने चीज़ें ली हैं वो हैं, ये हमने लिया है 1/2 kg चिकन। हमने चिकन को इस तरह से कि उसमें काट लिए हैं। यहाँ हमने लिया है 1/2 कप गाजर, 1 कप हमने लिए शिमला मिर्च, 1 कप लिया है हमने प्याज। हमने तीनों चीज़ों को इस तरह से कि उसमें काट लिए हैं। यहाँ हमने लिया है 1 teaspoon चाट मसाला, 1 teaspoon चिकन पाउडर, 1 teaspoon ब्लैक पेपर, 1 teaspoon नमक और 1 teaspoon लिया हमने कुटी हुई मिर्च। यहाँ हमने लिया है 1/2 कप टमाटर का पेस्ट, 2 teaspoon लिया है हमने कॉर्नफ्लावर, 2 teaspoon लिया है हमने विनेगर, 2 teaspoon लिया हमने सोया सॉस, 2 teaspoon लिया हमने चिली सॉस, 1 tablespoon लिया हमने अदरक लहसुन का पेस्ट। तो चलाइए स्टार्ट करते हैं। बर्तन ले लिया है, अब हम सबसे पहले इसमें डालेंगे 2 teaspoon ऑयल, सिर्फ 2 teaspoon डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। और इसमें डालेंगे हम हमारी जो चौकी हुई प्याज है और ये जो हमारे गाजर और शिमला मिर्च है। हम सिर्फ इन्हें 1 मिनट के लिए हल्का सा फ्राई करेंगे, उसके बाद हम इन्हें निकाल लेंगे। हमें 1 मिनट हो गया है, बस अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। ये देखिए हमने इसे निकाल लिया है, अब हम इसको साइड पे रखते हैं और इसमें डालेंगे हम 2 tablespoon ऑयल, बस ज़्यादा नहीं डालेंगे, सिर्फ 2 tablespoon ही डालेंगे। ये देखिए 2 teaspoon हो गया। अब इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन को हम 1 मिनट तक के अच्छे से फ्राई करेंगे। बस अब हम इसमें हमारी चिकन ऐड कर देंगे और चिकन को हम तकरीबन 1 मिनट इसके साथ ही फ्राई करेंगे। बस 1 मिनट इसको फ्राई करेंगे अच्छे से, तब तक जब तक ये देखें हमें हमारी जो चिकन है उसका कलर जो है वो चेंज हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे विनेगर और इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 teaspoon लेमन जूस और इसको हम इसी के साथ अच्छे से फ्राई करेंगे। अब हम डालेंगे इसमें सोया सॉस और इसी के साथ हम इसको हिलाएंगे। उसके साथ हम इसमें डालेंगे हमारी ये जो स्पाइसेस है, हम वेट करेंगे इसमें, इसको भी अच्छे से हिलाएंगे। इसके अंदर डालेंगे हम चिली सॉस और इसके साथ ही हम इसको 1 मिनट के लिए कवर कर देंगे। 1 मिनट के लिए हमने इसको कवर कर दिया है। देखिए 1 मिनट हो गया है, अब हम इसको खोल के चेक करते हैं। अब हम इसमें डालेंगे हमारे जो टमाटर की पेस्ट रखा है, ये हम इसमें ऐड करेंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे इसके साथ ही। इसको हम तकरीबन 1 मिनट तक ही पकाएंगे। अब हम इसको दोबारा से 1 मिनट के लिए कवर कर देंगे। तो देखिए हम 1 मिनट हो गया है, अब हम इसको हिलाएंगे। तो देखिए हमारे पास जो कॉर्नफ्लावर था हमने उसमें 1/2 कप पानी ऐड किया है और इसको हल्का लिया है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे इसको। और अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे।
ये देखें कॉर्नफ्लावर अच्छे से पक गया है, लेकिन अभी ज़्यादा ठीक है, इसकी जो ग्रेवी है वो बहुत ज़्यादा ठीक है। तो अभी हम हाफ कप इसमें पानी ऐड करेंगे। हाफ कप पानी ऐड किया है तो इसकी जो ग्रेवी है वो बिल्कुल राइट है, ये देख सकते हैं आप। अब हम इसमें हमारे ये जो वेजीज है हमने इसको फ्राई किया था एक मिनट, अब हम इसमें शामिल कर देंगे और इसको अच्छे से करेंगे मिक्स। ये देखें इसकी जो कलर है हमारी वेजीज के वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुए हैं और बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं इसमें, आप देख सकते हैं। और हमारी जो चिकन शाशली है ये बिल्कुल रेडी है, तैयार है बिल्कुल। अब हम इसको सिर्फ एक मिनट ही कवर करेंगे, उसके बाद हम आपसे, ये देखें एक मिनट हो गया है, अब हम इसे चेक करते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह से बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। तो बस अब हम इसे डिश आउट करते हैं, फिर हम आपसे मिलते हैं। यार ये बहुत मज़े का लग रहा है, बहुत टेस्टी बना है। तो आप इसको राइस के साथ, रोटियों के साथ, नान के साथ, जिसके साथ खाना चाहें, ये बहुत टेस्टी लगता है। तो अगर आपको हमारी ये रेसिपीज अच्छी लगी है तो इस रेसिपी को लाइक कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।